वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैदर टेक्टिकल व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे हैं चितरंजन पार्क 1235 फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे मेरे को कंप्लेंट मिली थी, यहाँ पे इन्वर्टर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अभी जो यहाँ के जो ऑनर हैं वो अपनी अपने बेटे को अपने स्कूल से लेके आ रहे हैं, तो मैं पहले पहुँच चुका हूँ, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही होता मैं इन्वर्टर बैटरी आपको चेक कराता हूँ। लो ऑनर साहब भी आ चुके हैं, तो मैं अभी चेक करता हूँ इन्वर्टर में क्या फॉल्ट है। तो चलते हैं इनके घर पे और देखते हैं क्या फॉल्ट है इन्वर्टर बैटरी में। थैंक यू जी। जी अच्छा, ये इनका इन्वर्टर है। तो देखते हैं अभी इसको खोलते हैं, तब बताते हैं। दोस्तों ये इन्होंने इन्वर्टर इनका खोल दिया है और आप देख सकते हो इसमें कितना डैश है। ये काफ़ी टाइम से शायद रिपेयर नहीं हुआ या खुला नहीं है, तो उसकी वजह से देखना ये डैश इनको हो चुका है बहुत ज़्यादा इन्वर्टर में। स्विच स्विच तो पहले मैं ये बैटरी चेक कर लेता हूँ। इन्वर्टर तो यहाँ पे सही दिखा रहा है, मेंस और चार्जिंग फुल दिखा रहा है। ठीक है, और ये जो इनका जो स्विच है ये ठीक है, स्विच इनका ये वर्क कर रहा है ठीक, कोई इशू नहीं है। तो बैकअप इनको क्यों नहीं मिल रहा है वो चेक करते हैं। पहले हम बैटरी पे बैटरी को चेक कर लेते हैं। बैटरी इनकी ये 90 एम्पीयर की बैटरी है, क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम जाती है, तो इसलिए इन्होंने छोटी बैटरी लगाई हुई है। क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा पावर कट होता तो बड़ी बैटरी लगती, पर ये भी 3-4 घंटे आराम से चल जाएगी। और कभी अगर इनका पावर कट हुआ तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं बैटरी है फुल चार्ज है इनकी यहाँ पर। तो चलो हम इनकी पावर कट के चेक करते हैं। तो पावर कट करने के लिए मुझे ये कंबाइंड बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं हम। तो हम ये पावर स्कीम कट कर दिया हमने। ये देखिए इंडिकेशन कुछ शो नहीं कर रहा है, तो हम इसका ये स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसमें हम क्या करते हैं इनका स्विच डायरेक्ट करके देखते हैं। अगर स्विच में भी प्रॉब्लम होगी तो पता चल जाएगा। अभी यहाँ से ये ऑन हो चुका है। तो ये स्विच इसका भी खोल के हम देखते हैं। वैसे अरुण भी कह रहा था स्विच में प्रॉब्लम लगा। हाँ, तो उसके बाद हम मेन लाइन ऑन करके चार्जिंग चेक कर लेते हैं। चार्जिंग दिखा रहा है कि हो रहा है, लेकिन एम्पीयर चेक कर लेते हैं हम एक बार। ये हमारा क्लेम मीटर है, ठीक है, ये चार्जिंग भी ओके हो रहा है। ठीक है, तो इसमें गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक स्विच की प्रॉब्लम है। और बाकी जो ये अगर ये सर्विस करवाना चाहे तो उसके लिए हमें इसको शॉप पे ले जाना पड़ेगा, जो इसका डैश इनके यहाँ पे आया हुआ है ज़्यादा इन्वर्टर में। तो ब्लोअर, और अगर इनके पास ब्लोअर होगा तो मैं इनसे बात करूँगा। अगर ब्लोअर हो तो मैं इनको यहीं पर सर्विस कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो स्विच की प्रॉब्लम है इसको मैं यहीं चेक करने की कोशिश करूँगा, ठीक हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो न्यू लगेगा इसमें। तो चलते हैं, इसको फिलहाल हम इसको स्विच को ऑन करके चेक करते हैं खोल के क्या फॉल्ट है इसमें आगे तक। दोस्तों ये हमने स्विच इनका बाहर निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। वैसे पुश करने में तो ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा बाद में कट की आवाज़ करता है, और कट की आवाज़ करने के बाद में ये रुक जाता है वहीं के वहीं। ये देख कट की आवाज़ आई है हल्की सी, वो मेरा हाथ महसूस कर रहा है, शायद आपको भी सुनाई दे रहा होगा। देखिए ये देखिए, तो मैं ये जो है अभी इसमें आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ। इसमें मैं ऑयल डालूँगा, ऑयलिंग करके इसके अंदर, और कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की। तो फ़िलहाल मैं भी इसको जैक को वापस लगा दूँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इसमें ऑयलिंग कर लेता हूँ।
और ऑयलिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है कि हमें स्विच ही नया लगाना पड़े। देखो हमें सर्विस पूरी मिल जाती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कस्टमर का ज़्यादा पैसा लगाने की, अगर हमें सर्विस ठीक से मिल जाती है, ठीक है ना। तो हम सर्विस के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर का ज़्यादा नुकसान हो और ज़्यादा पैसा उसका लगे। तो गाइस मैं इसके अंदर ऑयलिंग करता हूँ, ऑयलिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं इसको शॉप पे नहीं लेके जा रहा हूँ और क्लीन के लिए, देखो सर ने मेरे को ड्राई ला के दिया है, देखते हैं अगर इससे हो जाता है थोड़ा क्लीन तो ठीक है, और अगर नहीं होता तो इनसे फिर मैं बात करूँगा। अगर ये भेजेंगे शॉप पे तो मैं शॉप पे लेके जाऊँगा, अगर नहीं भेजेंगे तो नहीं लेके जाऊँगा। तो कोशिश यही करूँगा कि इनका काम यहीं पर ही हो जाए और ज़्यादा खर्चा ना हो इनका, और ये ऑयलिंग करने से स्विच भी ठीक हो जाए। तो अभी मैंने इनको ऑयलिंग के लिए भेज दिया है कि ऑयल लेके आ जाए नीचे से, तो अभी ये जा रहे हैं क्योंकि ये इन्वर्टर लगा है इनका, ये जीने के ऊपर देखना, ये जीने के ऊपर यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, और यहाँ पे इनको हवा आराम से मिल जाती है। इनका जैसे गार्डन है ये, उसके पास में इन्होंने लगा रखा है, सेफ जगह लगा रखा है, वैसे बारिश का पानी का वैसे यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं अभी ऑयलिंग लेने गए हैं, ऑयलिंग जैसे लेके आते हैं तो फिर मैं इसमें ऑयलिंग करता हूँ, ऑयलिंग करके आपको दिखाता हूँ, और फिर ड्राई भी करके देखते हैं इसमें कि कितना ड्राई जो है ये मिट्टी जो है डस्ट जो है इसका साफ हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके घर पर भी ऐसे इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप भी ऐसे, अगर सेम प्रॉब्लम है तो आप भी ऐसे कर सकते हो क्लीन करने के लिए ड्राई का इस्तेमाल। तो ये ऑयल आगे आ चुका है हमारे पास, तो हम देखते हैं इसको ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग करने से अगर कामयाब हो गया तो अच्छी बात है। बहुत कम चांस होता है कि हमें स्विच ही नहीं लगाना पड़े, ऑयलिंग से भी काम हो जाता है। आप मेरी वीडियो पहले भी देख चुके हो। ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है स्विच में तो ही चेंज होता है। लग रहा है मुझे वर्क करने लगा है, लेकिन थोड़ा सा ऑयलिंग और कर देता हूँ। ये क्या होता है, स्विच पड़े पड़े इसमें ना डस्ट आ जाता है, तो वो डस्ट जो है ना फिर ये ऑन नहीं होने देता। इसकी वजह से आप देखते हो कंडीशन क्या है इन्वर्टर की, क्योंकि काफ़ी पुराना है मॉडल, लेकिन जेन्युइन चीज़ है। अभी ये अगर चाहेंगे ऐसा मिल जाए इनको तो मिलेगा नहीं, चाइनीज मिलेगा सारा। लोग कहते हैं चाइनीज आता है कि सिल्वर ट्रांसफार्मर है उसका, और किट भी ऐसी कि जल्दी से आदमी रिपेयर नहीं कर पाता। तो चलते हैं दोस्तों, ये हम इसके अंदर लगाते हैं स्विच को, इसका जैक लगा के और चेक करते हैं। तो मैंने जैक लगा दिया इसमें, किट में देख सकते हैं आप, और यहाँ से मैं इनकी पावर लाइन कट करता हूँ। देखिए ऑफ है, और मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, नहीं इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा, आप देख सकते हो। तो इसमें ये स्विच इसका इनका लगेगा, बहुत कोशिश करी है। अच्छा इसमें देखते हैं कोई वायर का भी होता है इशू, तो वायर तो सही लगी हुई है। जैक को हमने हिला के भी देखा पर ऐसा कुछ नहीं है, स्विच की ही प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ से इसको अगर डायरेक्ट भी करते हैं पता चल जाएगा हमें, आप देख पा रहे हो ठीक से। नहीं काम कर रहा है, तो दोस्तों इसमें स्विच ही लगेगा और स्विच लगने के बाद ही काम करेगा, बाकी इन्वर्टर इनका ओके है। आप देख सकते हो जैक मैंने हटा दिया और ये वर्क कर रहा है। इनका ये स्विच में प्रॉब्लम है,
तो चलो दोस्तों ये स्विच की बात करते हैं, अगर बोलते हैं तो लगाते हैं, नहीं तो ऐसे ही इनको डाइट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों देखिए मैंने ड्राइव मार दिया इनको, लेकिन क्लीन तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ठीक है, चल जाएगा। अब कंपोनेंट जो है आप देख सकते हो नज़र आ रहे हैं इसमें, ऐसे तो नज़र नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने स्विच के लिए मना कर दिया। ये कह रहे कि भाई अब यहाँ पे इतनी ज़रूरत ही नहीं है, ऑन ऑफ कम करने आते ही नहीं है यहाँ पे, तो अगर डाइट चलता है कोई इशू नहीं है तो आप स्विच को रहन दीजिए। तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है जिससे इनका इन्वर्टर चालू हो जाए। फिलहाल आप देख सकते हो वर्क कर रहा है चार्जिंग, और ये मैं मेन लाइन कट कर रहा हूँ उसकी, इन्वर्टर मेन, बाकी सब कुछ सही है, ओके है, सब कुछ कोई इशू नहीं है, सिर्फ स्विच की प्रॉब्लम थी। तो ठीक है दोस्तों,